बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज लेकर आई हूँ चिली चिकन पेरी पेरी बाइट्स की रेसिपी। बहुत ही मजेदार, बहुत टेस्टी रेसिपी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पाव लिया है बोनलेस चिकन, उसमें 1 टेबल स्पून डाला है लहसुन अदरक पेस्ट, 1 टेबल स्पून तंदूरी मसाला, आप तिक्का मसाला भी यूज कर सकते हैं, 1/2 टीस्पून नमक, क्योंकि तंदूरी मसाले में ऑलरेडी नमक है। चिली सॉस लिया है 1 टेबल स्पून, सिरका लिया है 1 टेबल स्पून। इन तमाम चीजों को अच्छे से कर लेंगे मिक्स। अब इसमें डालूंगी 1 कप दही और इसको भी कर लेंगे मिक्स। उसके बाद रखेंगे इसको मैरिनेट होने के लिए 30 मिनट्स के लिए। 30 मिनट हो चुके थे, चिकन को करना है कुक। 2 टेबल स्पून लिया है ऑयल और इसमें डाल दिया है मैरिनेट किया हुआ चिकन, और इसको इतना पका लेना है कि तमाम लिक्विड जो है इसका ड्राई हो जाए और मसाला वगैरह तमाम खुश्क हो जाए। बस इतना ही हमें चाहिए, तमाम बोटियां। इसको कर देंगे कवर और ड्राई होने तक पका लेंगे। ये देखिए, चिकन की बोटियां इस तरह रेडी हो चुकी थी, हमने निकाल लिया है। उनको इस तरह स्लाइसिस में कर लेना है कट। कटिंग इसकी इस तरह की होनी चाहिए कि मिर्चों में अच्छी तरह फिल हो जाए। ये बिल्कुल रेडी है। अब हमने ली है बड़े साइज की मिर्चें, जर्मन मिर्चें, और इनके तमाम बीज जो है सेंटर से कट करने के बाद हमने निकाल देने हैं। इसी तरह तमाम मिर्चें हमने साफ करके रख ली दी है। अब इसमें हमने फिलिंग करनी है। सबसे पहले हम रेडी किया हुआ तंदूरी चिकन जो है वो इसमें फिल करेंगे। 2 से 3 बोटियां हमने इसमें फिल कर दी हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ चीज स्लाइसेस। अगर आपके पास चीज स्लाइसेस नहीं है तो आप चीज ग्रेट की भी डाल सकते हैं इसमें, और इस तरह डाल के इसको कर देंगे टाइट थोड़ा सा, ताकि ये बंद हो जाए। अब इसको कोट करेंगे हम सबसे पहले ड्राई मैदा में। ये देखिए, इस तरह अच्छे से बंद हो गई है। अब इसको सबसे पहले कोट कर रही हूं मैदा में। सेकेंड कोटिंग हम करेंगे अंडे में। थर्ड कोटिंग हम करेंगे ब्रेड क्रम्स में। अच्छे से हाथ की मदद से तमाम साइडों पे हमने लगा देना है। हल्का हल्का इसको प्रेस करेंगे। अब दोबारा से अंडे की कोटिंग करेंगे एक बार फिर। इसी तरह एक दफा और करेंगे ब्रेड क्रम्स की कोटिंग, और ये मिर्चें हो जाएंगी रेडी फ्राई के लिए। ये देखिए, ये बिल्कुल रेडी है। इसी तरह हमने तमाम मिर्चें फ्राई करने के लिए रेडी करनी है कोट करके। अब इसको करेंगे फ्राई। ऑयल हमने गरम करने के लिए रख दिया था। तमाम मिर्चों को इस तरह कर लेंगे गोल्डन फ्राई। मीडियम टू लो फ्लेम रखिएगा, हाई नहीं करना है। जैसे ही एक साइड पे कलर आ जाएगा, साइड को टर्न कर देंगे और इसको हम इसी तरह फ्राई करके निकाल लेंगे। ये देखिए कितना परफेक्ट कलर आया है। इसी तरह तमाम मिर्चों को हमने निकाल लेना है और गर्मा गर्म एंजॉय करना है चीजी चिकन बाइट्स, चिली बाइट्स की रेसिपी। अगर रेसिपी पसंद आए तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।